इस बीच दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाटन से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नई गाड़ी बंद हो चुकी है। दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, पाटन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नई गाड़ी बंद पड़ गई। काफिले की तीसरे नंबर की गाड़ी में खराबी आ गई, साइड से निकालना पड़ा काफिला, फॉर्च्यूनर गाड़ी बंद हो गई। स्काउट गाइड के कार्यक्रम से परमेश्वरी पूजा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को जाना था। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कारकेड में 12 नई गाड़ियां शामिल हुई। देखिए तस्वीरें किस तरह से, एक गाड़ी जो कि तीसरे नंबर की थी वो बंद पड़ गई। कल ही इन गाड़ियों को काफिले में शामिल किया गया है और ये तीसरे नंबर की गाड़ी बंद हो गई, फॉर्च्यूनर एसयूवी जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने काफिले में साथ लेकर चल रहे थे और ये गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई। एक कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जाना था लेकिन गाड़ी बंद पड़ गई, साइड से निकालना पड़ा काफिला, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नई गाड़ी में खराबी आ गई। सीएम को परमेश्वरी पूजा कार्यक्रम में जाना था, मुख्यमंत्री की नई गाड़ी खराब हो गई, काफिले की तीसरे नंबर की गाड़ी में खराबी आई, जिसके बाद पुलिस वालों ने धक्का देते हुए इस गाड़ी को साइड किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब आए थे, नई गाड़ी है उनके काफिले में आई, एक जो गाड़ी फॉर्च्यूनर है देखे उसमें को बंद हो गई, तो जो एडिशनल लेवल के अधिकारी हैं गुप्ता साहब उनको और साथ में धक्का देना पड़ा। इसे समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कितना बड़ा चूक है। कहीं ना कहीं जब नई गाड़ी आती है तो उसको एक एसपी लेवल के अधिकारी चेक करते हैं और सुरक्षा में जो पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी होते हैं वो लगे होते हैं, लेकिन उस बीच जब गाड़ी हेलीकॉप्टर के स्थल से आई और यहां से बीच आई, उसके बाद जब वहां गार्डन जाना था तो उस बीच गाड़ी लेट बंद हो गई, धक्का देके उसको साइड किया गया, फिर कुछ देर बाद गाड़ी चालू हुई। इसे समझ सकते हैं कि नई गाड़ी में इस प्रकार का कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट आना एक सुरक्षा में बहुत बड़ा चूक है। पाटन से प्रदीप राव के साथ आनंद ओझा।